नाउ लेट्स स्टार्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. कि एक या दो, एक से ज़्यादा जब सब्सटेंस में क्या आता है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या हो, केमिकल चेंजेस, और उस चेंजेस की वजह से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. नाउ केमिकल इक्वेशंस, कि इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मींस जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको जब हम सिंबॉलिक सिंबल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, सिंबॉलिक उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तब उस चीज को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल के लिए कि हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर. दोनों गैसियस एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करके वाटर जो कि लिक्विड है फॉर्म करते हैं. तो अब इस चीज़ को हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, सिंबल्स के थ्रू. तो हाइड्रोजन को हमने लिख लिया H2 और ऑक्सीजन को लिख लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमने O2. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमने उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है, और वाटर को भी हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया है H2O से. ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग एन इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना. ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग इक्वेशंस के अंदर हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन बोलते किसे हैं, कि नंबर ऑफ व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल. कि जैसे हम एक एग्जांपल हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था. इसमें जो LHS वाला पार्ट है, यानी इस इक्वेशन में एरो के जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स LHS वाला, और जो RHS में जो फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. जब LHS और RHS में जो ईच एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं अगर इक्वल है, आप बात ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि LHS और RHS साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, देन द इक्वेशन सेट बैलेंस, तब वो इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस कहलाती है. ठीक है, तो मैंने यही बात यहाँ पर वर्ड में लिखी है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन टू साइड्स ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल. कि जब भी LHS और RHS दोनों साइड्स एटम्स इक्वल हैं एलिमेंट्स के, तो वो कहलाएगी बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, Fe+O2, यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है, Fe+O2 चेंज इनटू Fe2O3. इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में Fe+O2 ये हो गया मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड, Fe2O3 ये हो गया हमारा RHS अब राइट हैंड साइड. अब LHS और RHS में दोनों में हम ईच एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम देखेंगे, तो LHS की बात करें तो LHS में दो एलिमेंट्स हैं, Fe और O. तो Fe नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Fe के 1 है, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने, 2. तो O के नंबर ऑफ एटम 2. RHS की बात करते हैं, RHS में नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भी दो हैं Fe और O, तो Fe के कितने एलिमेंट्स हैं, Fe के एलिमेंट एटम हैं 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने, 3. तो ऑक्सीजन के एटम 3. अब ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि Fe के यहाँ पर LHS में 1 है, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के LHS में 2 हैं और RHS में 3 हैं, तो ये इक्वेशन कहलाएगी अभी इस वक्त एट प्रेजेंट अनबैलेंस्ड. अब बैलेंस करने के लिए वी ऐड सम टाइप ऑफ कोफिशियंट्स, हम क्या ऐड करते हैं इसमें, कुछ कोफिशियंट्स ऐड करते हैं. तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर कि Fe+O2 चेंज इनटू Fe2O3 में अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो Fe के LHS और RHS में Fe तो बराबर हो जाएगा, ये 2Fe हो गया, 2Fe हो गया, बट ऑक्सीजन अभी भी क्या रहेगा, अनबैलेंस. यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं. ठीक है, तो लेकिन अगर मैं Fe के आगे 4 कोफिशियंट ऐड कर देता हूँ, O2 के आगे मैं 3 कोफिशियंट ऐड कर देता हूँ, और LHS में मैं Fe2O3 के आगे मैं 2 कोफिशियंट ऐड कर देता हूँ, तो या मल्टीप्लाई कर देता हूँ सॉरी, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. कैसे, कि देखिए अगर मैंने इसको आगे 4 मल्टीप्लाई किया, कोफिशियंट ऐड कर दिया Fe के आगे, तो 4Fe और यहाँ पर 2 कर दिया, तो अब Fe के कितने हो गए, 2×2=4, तो यानी Fe के LHS और RHS में हो गए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल. ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं,
तो ऑक्सीजन में मैंने यहाँ पर थ्री कोफिशियंट ऐड किया, यानी अब ऑक्सीजन का LHS में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 × 2 = 6, और RHS में अगर बात करता हूँ तो बाहर मैंने 2 से 2 करा है, 2 × 3, तो ऑक्सीजन के में यहाँ पर कितने हो गए 6, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। LHS में भी Fe के 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन के 6 6 इक्वल हो गए। ओके, थैंक यू।